अभी चल रहा है हमारा नाश्ता और जल्दी जल्दी फिर इसके बाद सलाम जाने की तैयारी है मेरी। ये आ गए हमारे अंडे और ये हो गए हैं पराठे और आयु की सर्दी जो कि सिर्फ देख रही है बैठ के और इसको आज बहुत सर्दी लग रही है, ब्लैंकेट में बैठ गई। आयु अब सर्दी लग रही है आपको? कैसे लग रहा है? सैलून से काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए और आते के साथ ही मटर पुलाव पकाना था तो इसलिए सब्जी वगैरह बनाने के लिए बैठ गई और अभी मसाला भून कर आई हूँ और आलू गलने के लिए रख कर आई हूँ। तो बस वो फ्री होते हैं, मतलब गलते हैं तो फिर मैं बनाऊँगी। और आज सारा दिन बहुत मसरूफियत रही पार्लर में, तो यहाँ मैं चावल वगैरह डाल कर गई हूँ। तो यहाँ तैयारी है इमरान की जाने की, वो जा रहे हैं कराची इस्तीमे में, ये उनका सामान और तैयार बैठे हैं जाने के लिए। खाना नहीं खाएंगे आप? ऐसे जाएंगे? तो कराची में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, आपको तो पता ही है, सब लोगों को ही पता है इस बात का। तो फिलहाल खाना बनाते हैं और अयान और मैं और आयत ही होंगे घर में क्योंकि इमरान तो जा रहे हैं इज्तिमे में, तो वो तकरीबन शायद कल तक ही आएंगे, कल शाम तक आएंगे। दुआ तो सुबह 11 बजे होती है तो वो दुआ के दिन ही जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले तो जा नहीं सकते थे, मेरे पास टाइम ही नहीं होता और मुझे आने जाने का बड़ा मसला रहता है सलोन में। तो अभी फ़िलहाल आज हम लोग अकेले रुकेंगे, आयान में और आयत रात तक क्या करना है? आज हम अकेले रुकेंगे, इमरान के बगैर बहुत सन्नाटा लगता है, मुझे तो दिल ही नहीं लगता बिल्कुल। तो पुलाव रख दिया है मैंने दम पर, इधर में ये थोड़ी सी देर पुलाव दम पर आएगा, इतनी देर हम बैठ के वेट करते हैं चावलों के लिए और इतनी देर में मैंने चटनी भी। तो भाई चावल हो गए हैं मेरे रेडी मज़ेदार से मटर पुलाव, अभी ठीक से आया नहीं है दम, लेकिन जो है ना इमरान को जाने की देर हो रही है तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी से निकाल रही हूँ उधर से खाना, उनको जाना है। यस क्यों, उससे क्या होगा? और आज मैं पार्लर से ही जो है ना सोच कर आई थी कि मटर पुलाव ही पकाऊंगी, और ये बन गई है मेरी मस्तार सी चटनी गरम गरम चटनी। और आयत का मुंह देखें, ये मेकअप करके आई है पार्लर में से, कौन से पार्लर से मेकअप करवाया आयु? ये खुद करा है इसने ये मेकअप। और जो है ना मेरे चावल बहुत देखे मज़ेदार से लग रहा है, ये देखिए ये मज़ेदार से चावल और ये मेरी चटनी, अब चक्कर देखते हैं कैसे बने हैं। इमरान तो जाने के लिए रेडी हुए हैं, मैंने उनकी वजह से जल्दी जल्दी बनाया और वो खाना ही नहीं खा रहे, वो कह रहे मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का।
घर में, सैलून नहीं गई थी तो बस सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ रही। दो क्लाइंट की स्टिकिंग करनी थी, डाई करने थे, तो बस सारा दिन उसी में लगी हुई थी। तो फिलहाल अभी फ्री हुई हुई शाम को, और जो है ना अब बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ चने की दाल, और जो है ना चने की दाल इतनी ज़्यादा गलती से भीग गई अंधेरे में, तो जो है ना उसमें ज़्यादा पानी डल गया। तो बस फिर वो जो है ना चने की दाल का हलवा भी बना रही हूँ, क्योंकि वो पूरी एक किलो दाल थी, एक किलो में ही जो है ना पानी डल गया। अब गीली तो उठा के रख नहीं सकती थी, इसलिए बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। एक तो इतनी थकी हुई हूँ सुबह से डाई और स्टिकिंग वगैरह में, और ऊपर से ये काम भी फैल गया आज मुझे, तो बस मैं अब चने की दाल का हलवा ही बनाऊँगी। पहले चने की दाल बना लेती हूँ फ्राई। इंतजार में इसकी बिरयानी कोई खोल के दे दे, टाइम नहीं है मेरे पास खोल के देने का। तो बर्तनों से किचन भरा हुआ है फिलहाल, वो करूँगी मैं बाद में। पहले खाना हो गया है रेडी, वही आ गई हमारी चटनी। चलो ऐसा खाना लगा दिया मैंने, देखा तो आप लोगों ने देखा मैंने कितनी जल्दी खाना बना लिया, 15 मिनट में खाना बना लिया। सारे कामों से भी फारिग हो गई हूँ, अभी खाना खाने के बाद बनाऊंगी चने की दाल का हलवा। पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस बैठ सो गई थी खाना खाने के बाद, और अभी उठी हूँ और अभी मैं बनाने लगी हूँ। उत्तर के साथ ही मुझे ख्याल आया है कि दाल पिसी हुई रखी हुई है और मुझे बनाना है हलवा, हलवा बनाने लगी हूँ। मैंने इसमें डाला है घी, जैसा कि आपने उस दिन देखा ही था मैंने बनाया था हलवा। इस हलवे का ये है, चने की दाल के हलवे का, भूनते जाओ जैसे वो ऐड है ना, धोते जाओ यही कहानी है, भूनते जाओ। ये देखो, और ये देख रही है हाथ, देख रही है ना आप हाथ, और मेरे शौक देखें ये। हालांकि सुबह से दो ड्राई की हैं, दो स्टिकिंग की हैं घर में थी तो, और जो है ना बालू हाथों का बहुत बुरा हाल है, और ना आज इतनी सारी चने की दाल भीगती और ना हलवा बनता। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं बनाती, आजकल तो मैं वैसे ही इतनी थकी हूँ, तो बस चने की दाल में बहुत ज़्यादा पानी डल गया, बहुत सारी थी वो एक साथ ना, आधा किलो से भी ज़्यादा थी वो चने की दाल ना, कोई मेरा ख्याल है 3 पाव के करीब होगी, तो जो है ना 3 पाव नहीं, आधा किलो से ज़्यादा, आधा किलो और 1 पाव के करीब थी दाल। तो जो है ना मैंने फिर आधी पकाई और जो है ना खाई, और आधी का हलवा बनाया। बस कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो बस हलवा अभी फिलहाल ऑलमोस्ट बनने वाला है, मैं काफी देर से भून रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर बस मैं इसको निकालूंगी। चीनी जो के बताइएगा कैसी है।
सही है ये काम है, सही है ये काम है, सही है। इतना मीठा नहीं है, मतलब आपको अंदाजा नहीं हो रहा, बहुत मीठा नहीं चाहिए ना, सही है, बहुत मीठा नहीं खाया जाता, कम मीठा खा लिया जाता है, बहुत मीठा नहीं खाया जाता। तो अब है बारी टेस्ट करने की, बहुत मजे का बना है। तो चाय भी हो गई है मेरी रेडी और इमरान इंतजार कर रहे हैं चाय का। ब्लैंकेट हटाए, और मैं थकूंगी अब। हलवा जो इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, कैसा बनाया, एक दिन वाले खाया था, बहुत मजेदार हलवा बना मेरा, बहुत टेस्टी। अच्छा मैंने जो इसमें एवरीडे डाला ना, एवरीडे की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ गया। बताएं हलवा कैसा बना है? चलो भाई, इमरान ने तो पास कर दिया मेरा हलवा, वरना हमेशा मैं ही खा के पास कर दिया। कि इमरान को इतना कोई शौक नहीं है मीठा खाने का, लेकिन उनको भी पसंद आ गया। पहले से ज्यादा अच्छा बनाई है, पहले से बस सही अच्छा बना है, पहले से ज्यादा अच्छा बनाया ना। मैंने इसमें एक और चीज ऐड की है, एवरीडे थोड़ा सा एवरीडे डाला है मैंने इसमें। आइयो हलवा खा लो, इसको तो कुछ खाना ही नहीं है भाई, बच्चों वाले कोई शौक ही नहीं है इसके, खा लो आयु। तो गाइस आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज तो मैंने बहुत ज्यादा ही काम किया है। तो बस ये थी सारा दिन की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है छोटी सी। और जो है ना दुआओं में याद रखिएगा, कल सुबह मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।